दुर्ग के राजभवन में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले में शहीद कांग्रेसी नेताओं को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए शहादत दिवस मनाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। 25 मई 2013 को झीरम घाटी के नक्सली हमले में शहीद नेता नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार सहित अन्य लोगों के शहीद होने सहित अन्य नेताओं के पुण्यतिथि को शहादत दिवस के रूप में जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर द्वारा मनाया गया। राजीव भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में उपस्थित कांग्रेसियों ने सभी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दिन विशेष को शहादत दिवस के रूप में मनाया। झीरम घाटी के नक्सली हमले में शहीद हुए नेताओं के पुण्यतिथि को शहादत दिवस के रूप में मनाते हुए जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर की महिला कांग्रेस के जिला पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष एवं समस्त कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल रहे। इस दौरान वरिष्ठ नेताओं ने अपने संबोधन में इस तरह के नक्सली हमले की घोर निंदा की। वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री व समाज सेविका रत्ना नारमदेव और महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी। झीरम घाटी में जो कांड हुए हैं, आज के दिन बहुत बड़े दुख भरी हम कांग्रेस जन के लिए। जो नंद कुमार पटेल बहुत अच्छा कांग्रेस पार्टी के बहुत अच्छा वक्तरी से जो हमार कांग्रेस लाए में और जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री रही से वो ओखर ओखर बहुत ज़्यादा एक नाम चलत रही से कि आज एक ये इस समय चुनाव में नंद कुमार पटेल आने वाले हैं करके। पर ऐसे का हुई से कि आज झीरम घाटी में जब वो मीटिंग अटेंड कर लगी से रैली में, तो इतना सारा जबकि वर्तमान भाजपा के सरकार रही से इतना सारा कहाँ से नक्सलबाजी आ गए और यहाँ ये घटना में इतना बड़े अंजाम अंजाम दे के चले गए। और यहाँ हमारी सरकार जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री रही से डॉक्टर रमन, वो कुछ नहीं कर पाई से आज। और आज वो दिन ला याद करके आज भी हमारे मन के दिल में इतना बड़े दुख लगते कि वो दिन की याद आते तो हमन उस समय जब ये घटना हुई से तो हमन रात भर जगे हन, सो नहीं पाहन और इतना बड़े घटना कैसे हुए का हुए करके सोच सोच के आज के दिन वो रात में भी ये याद करें हमन कि भाई आज के दिन रात का नंबर रात भर जगेन और ये घटना की याद ऐसे। तो आज भी हमारे मन के नींद ऐसे लगी कि इतना बड़े सरकार रही के तो भाजपा की सरकार रही के आज भी हमारे जो शहादत दे है जो हमारे कांग्रेस पार्टी के वो भी एक इंसान है और जो मुख्यमंत्री रही वो भी इंसान है। अगर ऐसे कुछ घटना करते तो मुख्यमंत्री ला सोचना चाहिए कि चाहे वो कांग्रेस को हो या भाजपा को कोई भी हो, ऐसे नक्सल वार्ड मन जब ऐसे करते तो कर लिए बोला कुछ कदम उठाना रही से और न्याय देना रही से। ऐसे न्याय नहीं दे है तो ये कर लिया हमन बहुत दुख है और न्याय मिलना चाहिए। कांग्रेस भवन में झीरम घाटी हत्याकांड जो हुआ था उसके लिए हम लोग सब यहाँ पर राजीव भवन में एकत्रित हुए। उसमें हम सब ने मिल करके हमारे शहादत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित किए और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इस तरह की जो हत्या होती हैं उनके लिए शासन के माध्यम से इसका निराकरण होना चाहिए और उसको सब लोगों के बीच में लाना चाहिए कि इस तरह का कांड हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ का ये बहुत बड़ा हत्याकांड था और इसके लिए हमारे सभी नेताओं ने आज संकल्प लिया है और सभी कांग्रेसमय जितने लोग थे सबों ने आकर के अपनी श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया है। और हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस भवन में हमारे जितने लोग यहाँ पर हैं, पदाधिकारी हैं, सब जुड़े हुए हैं और उन सब के माध्यम से हम सब लोग एकत्रित होकर के और शहर जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से ये कार्यक्रम रखा गया था। और हम लोग हर 25 मई को उनकी शहादत मनाते हैं, परंतु 365 दिन हम हमारे जितने हमारे नेता जो ख़त्म हैं उनके कार्यशैली को हम लोग याद करते हैं और उनको याद करते हुए हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।